ये वीडियो है जम्मू जम्मू के नाम से मशहूर है वंशु बंगोत्रा की, उधमपुर के रहने वाले हैं। और इस वक्त वीडियो दिखाने का मकसद हमारा ये है कि इनकी रहस्यमय परिस्थितियों में इनका जो शव है वो मिला है, चनैनी का जो जीरो मोड़ बताया जाता है वहाँ पर मिला है। और ये आपने ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती देखी भी, और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हर एक ने ये वीडियो देखी होगी। इससे पहले भी, अभी ये रिसेंटली इनके द्वारा ये बढ़ाई गई वीडियो थी, इससे पहले भी इस तरह की ये जम्मू जम्मू के नाम से वीडियो बना चुके हैं और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। और कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने पहले वीडियो बनाई थी, आज से 3-4 महीने पहले बनाई थी, और बहुत सारे राजनेता जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े थे और उस वक्त उनकी तरफ से जम्मू जम्मू के नारे लगाए गए थे। और उस वक्त ये जो शख्स है जिनका नाम वंशु बंगोत्रा बताया जा रहा है, उधमपुर के ये रहने वाले हैं, इनकी वीडियो सामने आई थी और इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये भी जम्मू जम्मू का जो ये नारे लगाए गए थे उस वक्त राजनेताओं द्वारा, ये उनका कहीं ना कहीं इनका ये कहना था कि जम्मू जम्मू के नारे जो हैं तो आपको अब याद आ रहे हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने उस वक्त भी कही थी। और अभी 2-3 दिन पहले ही रिसेंटली इन्होंने एक और वीडियो बनाई जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हुआ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये लोगों ने डाउनलोड करके अपलोड की है और बहुत सारा वायरल लोगों की तरफ ये हो रही है। लोग देख रहे थे कि क्या वंशु बंगोत्रा जो है वो कहना चाहते हैं, और वंशु बंगोत्रा की तरफ से लगातार राजनीतिक जो लोग थे उन पर कहीं ना कहीं वो जो है प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कटाक्ष में ले रहे थे और अपने एक बड़े ही मजाकिया ह्यूमर तरीके से वो राजनेताओं का कहीं ना कहीं ये चेता रहे थे कि अब आपको जम्मू याद आ रहा है, जम्मू जम्मू के नारे लगाकर जम्मू नहीं बनने वाला, कहीं ना कहीं जम्मू के लिए कुछ करना पड़ेगा। और अभी जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और ये बताया जा रहा है कि पुलिस को चनैनी मोड़ पर, चनैनी का अभी तक जो खबर आई है जीरो मोड़ बताया जा रहा है, वहाँ पर इनका शव जो है वो बरामद हुआ है और रहस्यमय परिस्थिति में बरामद हुआ है। जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, वीडियो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही दिखा दी है, और जो तस्वीरें मेरे पास आई हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आप देख सकते हैं फिलहाल उनकी जो डेड बॉडी है उन पर आप देख सकते हैं ये कपड़ा रख दिया गया है। एक और तस्वीर है यहाँ पर, पुलिस देख सकते हैं, ये वो सड़क है, और साथ में यहाँ पर ये देखिए, ये मैं दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर पत्थर ये है, इसी के सामने ये देखिए ये है उनका शव दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा एक तस्वीर और है, ये देखिएगा ये भी तस्वीर उन्हीं के साथ इस तरह से शामिल ये दिखाई जा रही है, ये देखिए। और एक और तस्वीर मैं दिखा दूँ, ये सारी तस्वीरें जो है यहाँ पर इसी के साथ, ये देख सकते हैं आप चनैनी के पास, शायद ये जो नासिर टनल की तरफ रास्ता जाता है ऊपर से, उसी के साथ चनैनी की तरफ मोड़ करता है ये, वहाँ इसी के पास जो है इनकी ये डेड बॉडी दिखाई दी है, पड़ी हुई मिली है। और अभी फ़िलहाल इस पर पुलिस जो है वो उनकी डेड बॉडी रिकवर तो कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, और वहीं पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है उनके साथ, क्या उनके साथ हुआ होगा जिसके बाद उनका ये शव जो है यहाँ पर बरामद हुआ है। अभी ये भी जानकारी मिली है कि थोड़े दिन पहले जो उन्होंने एक लाइव किया था या अपनी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि शायद वो मचेल की तरफ भी जा रहे थे, जिस तरह से अभी अगस्त महीना है मचेल यात्रा चल रही है, और वो भी मचेल माचंडी के दरबार की तरफ पैदल ही जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी खबर आई है, और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जब भी कटाक्ष जो है वो सरकारी लोगों पर किया जाता है या पॉलिटिकल लोगों पर किया जाता है और उनको झंझोरा जाता है, और जब उनको लगता है कि उनका मजाक बन रहा है, उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इंसिडेंट जो है वो सामने आते हैं। अब क्या ये मर्डर है या क्या है, क्योंकि रहस्यमय परिस्थिति में अगर शव मिला है तो कहीं ना कहीं अंदेशा जो है वो मर्डर का ही, कहीं ना कहीं हत्या का मामला जो है ये सामने दिख रहा है। हालांकि पुलिस अब पड़ताल करेगी, जाँच करेगी, सबसे पहले तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कार्रवाई आगे जो है वो चल पाएगी। फिलहाल जिस जगह पर इनकी डेड बॉडी मिली है उसके आसपास के लोग जो हैं उनसे भी जानकारी हासिल की जा रही है, अगर वहाँ पर कोई सीसीटीवी है तो उससे भी फुटेज देखी जाएगी, और ये भी देखा जाएगा कितने दिन पहले वो अपने घर से निकले थे, यहाँ कैसे पहुँच गए, और कितने लोग उनके साथ थे, अगर साथ थे तो वो कहाँ चले गए, क्या अकेले वो वहाँ तक पहुँच गए। बहुत सारे अभी यहाँ पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं, और ये सारी जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर बना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह के अगर मर्डर के केस जो है वो सामने आते हैं, अगर ये मर्डर है
क्योंकि जो दिख भी रहा है, हो सकता है अगर ये मर्डर है तो किन लोगों पर गाज गिरने वाली है, क्या ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जाएगी, क्या वो फेयर तरीके से होगी, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या राजनीतिक पहलू उठाने पर या राजनीतिक लोगों पर उंगलियां उठाने पर, उन पर सवाल करने पर, जो वीडियो सामने आ रही है इसको लेकर क्या उनकी तरफ से कोई इस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं, इस तरह के सवाल बहुत सारे होंगे। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात है, जो इन्वेस्टिगेशन है क्या वो फेयर तरीके से होगी, क्या उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने भी उधमपुर के रहने वाले वंशु बंगोत्रा पर इस तरह का जानलेवा हमला या उनकी जान ली है, जब ये सामने आएगा तो ये सारी तस्वीरें सामने क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन साफ तौर पर ये चौंकाने वाला मामला है, 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही वीडियो आती है और उस वीडियो के बाद ही उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि मैं मचेल यात्रा के लिए जाने वाला हूँ। और ये देखिए, ये उनकी लास्ट वीडियो है जो उनकी तरफ से बनाई गई थी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, आप भी सुनिएगा क्या कह रहे हैं। हूं चेता है जम्मू जदू तुस अपनी अपनी पार्टियां छे अपने अपने ठेकेदार बनाते अपने अपने जो लैंड लॉर्ड बनाते ओ लैनी चेता है जम्मू की नहीं है चेता ओले जम्मू पता की ओले सियासतदान बने तुस अज करना सच्ची गल भारतीय जनता पार्टी ने तुसी एक कमजोरी रख ली कमजोरी डोगरी समझते नहीं समझ लो एक गल सुना ना तुसी सच्ची ए जिन्ने भी टड कड्डी आउंदे जेड़े भी राजनेता बड़े बड़े कुएक्स सब एक्स दोबारा की नहीं एक्स दोबारा की नहीं बने लीडर क्योंकि तुसें लोकें लुट्टिया थोड़े गै ठेकेदार थोड़िया गै सड़कां थोड़े गै क्रैशर वक्त बदला लैंदा। और यही वो वीडियो है जो लास्ट इनकी तरफ से सामने आई थी, हो सकता है कुछ और ही वीडियो इन्होंने बनाई हो वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये लास्ट वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें इन्होंने साफ तौर पर फिर से राजनेताओं पर उंगली की है। और अंदेशा आप समझ सकते हैं कि उंगलियां ये लगातार इनकी तरफ कर रहे थे, क्योंकि जब पहला वीडियो आया था तब भी जम्मू जिन लोगों की तरफ से नारे लगाए गए थे उनको इनकी तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही थी। एक मामला अब ये पूरे तरीके से पलट चुका है, बदल चुका है, और अब हत्या है या क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस ये मैटर देखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जांच फेयर और सही तरीके से होनी चाहिए। आखिर अगर लोग अगर आवाज़ उठाते हैं कहीं ना कहीं वो तंग है, अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो क्या इस तरह के साथ उनका उनके साथ पेश आया जाएगा, इस तरह के साथ उनके साथ जो है चीज़ें की जाएंगी, ये सवाल उठाती है। ये चनैनी जो है वहाँ पर बताया जा रहा है उनकी डेड बॉडी मिली है, पुलिस ने रिकवर कर ली है, अभी फिलहाल उनका मोर्चरी में भेजा गया और वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।